आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। कितना महत्वपूर्ण है घर में टेलीविजन किस दिशा में है, उसको देखते समय हमारा फेसिंग किस डायरेक्शन में है, क्या आप जानते हैं? मेरा ऐसा अनुमान है कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में सही और संपूर्ण जानकारी नहीं है। हम सभी दिन में एक अच्छा खासा समय टेलीविजन देखने में बिताते हैं। 2 से 3 घंटे टेलीविजन देखना बहुत ही आम बात है। कुछ लोग 5 से 6 घंटे भी टेलीविजन देखते हैं और छुट्टियों के दिन तो इससे ज्यादा समय तक टेलीविजन देखा जाता है। जब हम एक दिन में इतना ज्यादा समय टेलीविजन देखने में बिताते हैं तो जिस स्थिति में हम बैठते हैं उसमें हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फेस करते हुए बैठते हैं। अगर हम ऐसी डायरेक्शन को फेस करते हुए बैठे हैं जिसमें पॉजिटिव एनर्जीज हमारी पीठ या बैक की तरफ हैं, तो हम इन पॉजिटिव एनर्जी से वंचित रह जाते हैं। अगर हमारी बैक उन डायरेक्शंस की तरफ है जहां से घर में हाईली पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जीज आती हैं, मैग्नेटिक एनर्जीज आती हैं या सोलर एनर्जीज आती हैं, तो चूंकि हमारा बैक इन पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ है इसलिए हम उनसे डिसकनेक्ट होते हैं और ये एक डिसरेस्पेक्ट का भी प्रतीक है जब हमारी बैक या पीठ पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ होती है, जिससे हम इन पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव या ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते हैं और उनसे वंचित रह जाते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज्ञान पाने के लिए एक क्लास में सभी छात्र टीचर को फेस करते हुए बैठते हैं। ये ना केवल सम्मान का प्रतीक है बल्कि इसी के माध्यम से वो टीचर से कनेक्ट होते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं या अर्जित करते हैं। अगर आप एक सत्संग में देखें तो जितने भी श्रद्धालु गुरु के प्रवचन सुनने जाते हैं वो सभी गुरु को फेस करते हुए बैठते हैं ताकि उनके प्रवचन को वो सुन पाए और उनको ग्रहण या अर्जित कर पाए। गुरु की तरफ पीठ करके बैठना, अपने टीचर की तरफ पीठ करके बैठना या ये कहें ऑफिस में बॉस की तरफ पीठ करके बैठना, क्या ये संभव है? कि बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ये ना केवल एक डिसरेस्पेक्ट की निशानी है बल्कि ये हमें डिसकनेक्ट भी करता है। इसी की तरह जो एनर्जीज हैं अगर हमें उनका फायदा लेना है, उनसे कनेक्ट होना है या उनको ग्रहण करना है तो हमें उन एनर्जीज की डायरेक्शंस को फेस करते हुए ही बैठना पड़ेगा। इसके अलावा अगर टीवी देखते समय हमारी डायरेक्शन सही नहीं है तो हम टीवी देखने के बाद रिलैक्स महसूस नहीं करेंगे। टीवी हम मनोरंजन के लिए देख रहे हैं लेकिन हो सकता है टीवी देखने के बाद आपका सिर भारी हो जाए, आपको और आलस आने लगे और आपको और बोरियत हो जाए और आपको टीवी देखने की ज्यादा आदत पड़ गई है या ये कहें एक एडिक्शन सा हो गया है। अगर ये सब आप फील कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप जो टीवी देख रहे हैं वो सही दिशा को फेस करते हुए टीवी नहीं देख रहे हैं। घर में टीवी किस दिशा में होना चाहिए, टीवी को देखते समय हमारा फेसिंग कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या बेडरूम में टीवी रखना ठीक है या नहीं, जानेंगे आज के वास्तु वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम सत्येंद्र गौतम, वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र वास्तु ए लाइफ चेंजिंग आर्ट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए जिससे मेरे जो नए वीडियोस अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें, अपने कीमती सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आप मुझसे वास्तु संबंधित पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे आपके प्रश्नों का उत्तर मैं तुरंत दे पाऊं। चलिए अब हम शुरू करते हैं टेलीविजन से संबंधित वास्तु गाइडलाइंस की। घर में टेलीविजन को किस दिशा में रखना चाहिए, वास्तु के अनुसार हम घर में टेलीविजन कहीं भी रख सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम घर की किसी भी दिशा में टेलीविजन को रख सकते हैं। अगर हमारा एक सेपरेट टीवी रूम है तो उसको हम किसी भी दिशा में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहीं भी बना सकते हैं। अगर लिविंग एरिया में हम अपना टेलीविजन रखना चाहते हैं और लिविंग एरिया हमारा साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में है तो वहां भी हम टेलीविजन रख सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वास्तु के अनुसार सभी दिशाएं टेलीविजन रखने के लिए
उपयुक्त है। अब हम बात करते हैं कि टेलीविजन को देखते समय हमें कौन सी दिशाओं को फेस करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि घर में टेलीविजन किस दिशा में रखा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टेलीविजन देखते समय हमारा फेसिंग एक सही दिशा में होना चाहिए। टेलीविजन को देखते समय हमारा फेसिंग उन दिशाओं की तरफ होना चाहिए जिनसे घर में पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, और हम सब जानते हैं कि वो दिशाएं हैं नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी घर में पॉजिटिव एनर्जीज को आने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। नॉर्थ डायरेक्शन से नॉर्थ पोल की पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, नॉर्थ ईस्ट से कॉस्मिक और मैग्नेटिक एनर्जीज घर में आती हैं, और ईस्ट डायरेक्शन से सोलर एनर्जीज घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए टेलीविजन देखते समय हमारा फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे हम जब इन डायरेक्शंस को फेस करते हुए टीवी देखते हैं तो हम इन डायरेक्शंस के थ्रू आने वाली पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव करते हैं और उनका लाभ ले पाते हैं। इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपका टीवी साउथ ईस्ट के किसी रूम में है तो इस साउथ ईस्ट वाले रूम का आपको नॉर्थ और ईस्ट वॉल को लोकेट करना है, और इन दोनों वॉल में कहीं भी आप टीवी लगा सकते हैं। एक दूसरे उदाहरण के लिए, अगर आपका लिविंग एरिया वेस्ट डायरेक्शन में है तो आपको इस रूम की नॉर्थ और ईस्ट वॉल को आइडेंटिफाई करना है, और इन दोनों वॉल में से कहीं भी आप टीवी लगा सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि टीवी को किसी भी रूम में आप लगाते समय ये ध्यान रखिए कि ये उस रूम की नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे लगा होना चाहिए। इन डायरेक्शंस को फेस करते हुए टीवी देखने से ना केवल हमें पॉजिटिव एनर्जीज का लाभ मिलता है, बल्कि हमें ज्यादा टीवी देखने की आदत भी नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ टीवी देखने के बाद जो हमें एक मनोरंजन और रिलैक्सेशन चाहिए वो हमें मिल पाता है। जो बच्चे एजुकेशनल चैनल्स जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक, हिस्ट्री या अन्य एजुकेशनल प्रोग्राम्स टीवी पे देखना चाहते हैं, उनको ईस्ट डायरेक्शन को फेस करते हुए टीवी देखना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन को फेस करते हुए टीवी देखने से उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और प्रोग्राम से उनको एक सीख और समझ भी मिलती है। इसलिए अगर बच्चे टीवी एजुकेशनल पर्पस के लिए देख रहे हैं तो ईस्ट डायरेक्शन उनके लिए बेस्ट डायरेक्शन है। अब हम बात करते हैं कि क्या टेलीविजन बेडरूम में होना चाहिए या नहीं। टेलीविजन बेडरूम में भी आप रख सकते हैं, पर उसमें यही गाइडलाइंस हैं कि टीवी बेडरूम की नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे हो। इसके अलावा टीवी में बेड का रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। टीवी लगाते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि टीवी के सामने, टीवी में बेड का रिफ्लेक्शन ना आए। अगर ऐसा होता है तो ये स्लीप डिसऑर्डर पैदा करता है, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। अगर टीवी में बेड का रिफ्लेक्शन नहीं है तो आप बेडरूम में टीवी लगा सकते हैं, अन्यथा आपको बेडरूम में टीवी नहीं लगाना चाहिए। इन बातों का अगर आप टीवी से संबंधित ध्यान रखते हैं तो ये ना केवल आपको पॉजिटिव एनर्जी से होने वाले फायदे आपको मिलते हैं, बल्कि आपको जो टीवी से मनोरंजन और रिलैक्सेशन चाहिए वो भी आपको मिल पाता है। इनसे संबंधित अगर आपके सवाल हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us. To get scientific solutions of vastu problems at nominal fee, register now 965004546. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 965004546. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।